हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि आप पैरालिसिस से जल्दी राहत कैसे पा सकते हो, मतलब आप बेस्ट रिकवरी पैरालिसिस पेशेंट्स कैसे पा सकते हैं, या फिर जितने भी उनके केयरटेकर्स होते हैं, अटेंडेंट्स रहते हैं, उनको किन चीज़ों का एक्चुअली में ध्यान रखना है, ये आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट पैरालिसिस, होता क्या है? जब भी आपका ब्रेन अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है और रिफ्लेक्सेस नहीं दे पाता है, सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मसल्स एक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती है। और ये कोई एक मांसपेशी का काम नहीं है। जब हमारी बहुत सारी मांसपेशियां एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती है, जब हमारी ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होती है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरालिसिस। नाउ एक्चुअली में पैरालिसिस होता क्यों है? पैरालिसिस के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो कॉमनली रीजन देखा गया है दैट इज स्ट्रोक, या फिर अगर हम दूसरे की बात करें तो दैट इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जब भी आपको कोई सडन हिट होती है, अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्या होता है, आपको पीछे से किसी ने पुश किया, या फिर आपके व्हीकल को किसी ने बहुत तेज जर्क के साथ, फोर्स के साथ प्रेशर दिया है, अटैक किया है, उसकी वजह से क्या होता है, एक झटके की वजह से आपको या तो कोई इंजरी हो जाना या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड हर्ट हो जाना। एक तो रीज़न ये हो गया। सेकेंड इफ वी टॉक अबाउट दैट इज स्ट्रोक, जब भी हमारे ब्रेन में स्ट्रोक का अटैक आता है तो दैट अल्टीमेटली लीड्स टू पैरालिसिस। अब ऐसा होता है कि बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनका एक क्वेरी होता है कि मैम हमारे ब्रेन में क्लॉटिंग हुई है, व्हाट इज क्लॉटिंग? तो स्ट्रोक में आपके ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉट होने की वजह से आपकी ब्रेन एक्टिविटी हैम्पर हो जाती है, और या तो आपके ब्रेन में क्लॉटिंग हो रही है या फिर आपके ब्रेन में ब्लड लीक हो रहा है। तो दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं, दोनों अलग अलग सिचुएशंस हैं, एंड दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो पैरालिसिस में बेस्ट ट्रीटमेंट है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। कैसे है, क्यों है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो अभी हमारा वीडियो का मेन था वो क्या था कि आपको पैरालिसिस से जल्दी रिकवरी कैसे मिल सकती है। इतना आपको समझ आया कि प्रॉब्लम हमारे ब्रेन की है, ब्रेन एक्शन परफॉर्म नहीं करवा पा रहा है अपनी मसल से, या ब्रेन एक्शन नहीं दे पा रहा है, सिग्नल्स नहीं दे पा रहा है, रिफ्लेक्सेस नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे ग्रुप ऑफ मसल्स अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब जब हमारा ब्रेन ही रिफ्लेक्सेस नहीं दे पा रहा है तो हमारी बॉडी कैसे काम करेगी? ये तो आप सभी को पता है, जो हमारा ब्रेन है वही एक फंक्शनल यूनिट है, वही सारे फंक्शंस करवाता है, वही सारे रिफ्लेक्सेस भेजता है। तो जब आपका ब्रेन ही काम नहीं कर पा रहा है तो आपकी बॉडी कैसे कॉप अप करेगी, कैसे एक्शंस परफॉर्म करेगी? तो इससे आपको एटलीस्ट ये समझ आ रहा होगी प्रॉब्लम हमारी बॉडी की नहीं है, प्रॉब्लम हमारे ब्रेन की है। तो जब आपने यही जान लिया कि प्रॉब्लम है क्या, तो हम ऑब्वियसली अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने की सोचेंगे। तो अगर आपको ये समझ आ रहा है कि आपकी प्रॉब्लम ब्रेन से है, तो सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट कहाँ का कराना है, अपने ब्रेन का कराना है। लाइक सपोज आपको प्रॉब्लम हुई, आपको सिम्टम्स आए, तो सबसे पहले डॉक्टर ने क्या कराया, आपकी बॉडी थोड़ी ना चेक करी, आपको MRI कराने के लिए भेजा, आपको सिटी स्कैन कराने के लिए भेजा। क्यों? ताकि उनको ब्रेन की कंडीशन समझ में आ सके कि ब्रेन का कितना पार्ट आपका स्ट्रोक की वजह से डैमेज हो चुका है, डिटोरिएट हो चुका है, एंड जो बाकी बचा हुआ पार्ट है हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जब आपको ये पता है कि आपकी प्रॉब्लम ब्रेन में है, तो आप ब्रेन का ट्रीटमेंट करोगे, आप ब्रेन की रिकवरी पर ज़्यादा ध्यान दोगे। अब हम ब्रेन की रिकवरी पर ध्यान कैसे देंगे, दैट कम्स अंडर न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी? जब भी हमारा ब्रेन एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, तो हम कोई भी मूवमेंट, कोई भी एक्शन उससे बार बार करवाते हैं ताकि ब्रेन को समझ आए कि हाँ उसे ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। लाइक सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी हैंड मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं, आपकी बॉडी पैरालाइज्ड है, आप वीकनेस में जा चुकी है आपकी बॉडी, तो आपका शोल्डर जॉइंट मूव नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये वाली मूवमेंट चाहिए, लेकिन आपका ब्रेन तो एक्शन दे ही नहीं पा रहा, आपका ब्रेन तो रिफ्लेक्स दे ही नहीं पा रहा, तो मसल एक्शन कैसे परफॉर्म कर सकती है? तो आपको करना क्या है, आपको ये मूवमेंट बार बार परफॉर्म करनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन को कहीं ना कहीं क्लिक होगा कि उसको ये वाला एक्शन परफॉर्म करना है, उसको अपना कंधा, उसको अपना हाथ मोबिलाइज करना है और आगे की तरफ उठाना है। तो यही होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म, आपको अपने ब्रेन को बार बार ट्रिगर करना है, बार बार पोक करना है कि वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे, वो कोई एक्शन परफॉर्म करे, जिसकी वजह से क्या होगा, हम अपने ब्रेन को वापस से रीएजुकेट करेंगे। जो ब्रेन अपना एक्शन भूल चुका है, जो ब्रेन अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, हम उसे वो याद दिलाएंगे। कैसे याद दिलाएंगे? एक्शंस परफॉर्म करके, फंक्शंस परफॉर्म करके, जिससे कि ब्रेन को याद आए कि हाँ उसे ये सिग्नल्स भेजने हैं, उसे रिफ्लेक्सेस भेजने हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि आपको पैरालिसिस की कंडीशन में अपनी बॉडी से ज़्यादा अपने ब्रेन एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना है। आई डू एग्री कि एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, लेकिन एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपको अपनी मेडिकेशंस का बहुत
अच्छे से ध्यान रखना होता है, अपनी मेडिकेशंस को टाइम से लेना होता है, क्योंकि अगर आप मेडिकेशंस नहीं लोगे, आपने एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर ली, आपने एक्सरसाइजेस परफॉर्म करी, आपकी रेंज ऑफ मोशन वापस आ रही है धीरे धीरे, स्पास्टिसिटी आपकी खत्म हो रही है, मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सब कुछ इनहेंस हो रही है, लेकिन आप ब्रेन के लिए क्या कर रहे हो? एक्सरसाइजेस तो आपने हाथ पैरों के लिए कर ली, अपने लिम्ब्स के लिए कर ली, जो मूवमेंट नहीं हो पा रही है उन्हें वापस आने के लिए कर ली, लेकिन आप ब्रेन के लिए क्या कर रहे हो? ब्रेन के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो ब्रेन के लिए आपको जरूरत है मेडिकेशंस की, एंड कौन सी मेडिकेशंस? दैट आर आयुर्वेदिक मेडिसिंस। आयुर्वेदिक मेडिसिंस हैव देयर बेस्ट रिजल्ट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिसिस, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल जाएगा, कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, कुछ नेचुरल हर्ब्स जाएंगे, उसकी वजह से हमारी बॉडी जल्दी से जल्दी बूस्ट करेगी, और बॉडी बूस्ट करेगी, बॉडी अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, तो हमारा ब्रेन भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज होगा, ट्रिगर होगा, जिसकी वजह से उसको अपना एक्शन परफॉर्म करना ही पड़ेगा। लाइक सपोज इफ वी रिलेट ब्रेन एंड एक्सरसाइजेस, आप कोई एक्सरसाइजेस बार बार परफॉर्म कर रहे हो, कोई मूवमेंट बार बार परफॉर्म कर रहे हो, तो ब्रेन को अल्टीमेटली याद रहेगा कि हाँ ये मूवमेंट ऐसे हो रही थी या फिर ये एक्शन मुझे ऐसे परफॉर्म करना है। तो अल्टीमेटली दीज बोथ द थिंग्स आर इंटररिलेटेड, कोरिलेटेड। अब होता क्या है, आप या तो आप सिर्फ मेडिकेशंस ले रहे हो और एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो भी इट इज़ नॉट फ्रूटफुल, या फिर आप सिर्फ एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हो और मेडिकेशंस नहीं ले रहे हो, देन ऑल्सो इट्स नॉट फ्रूटफुल। तो आपको करना क्या है, आपको दोनों की इक्वल मेंटेनेंस रखनी है, एंड आपको एक्सरसाइजेस एज वेल एज मेडिकेशंस टाइम से लेनी है। तो यही एक अल्टीमेट रीजन है जिसकी वजह से आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो सकती है, एंड आपको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक्चुअली में क्या इम्पैक्ट होता है? आयुर्वेदिक मेडिसिन कोई साइड इफेक्ट तो आपकी बॉडी को देंगी नहीं, कोई हार्म तो पहुँचाएंगी नहीं, लेकिन साथ साथ आपकी बॉडी को इम्यून करेंगी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी, आपकी ब्रेन एक्टिविटी को इनहेंस करेंगी। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड डू कंसल्ट विद श्रेयास डॉक्टर्स, क्योंकि श्रेयास के डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे। मेडिकेशंस के साथ साथ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से एक्शंस परफॉर्म करना है, कौन से एक्शंस परफॉर्म नहीं करना है, प्रॉपर डाइट, आपको डाइट में क्या इंक्लूड करना है एंड क्या एक्सक्लूड करना है, आपको कौन कौन से एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, आपको वॉक कैसे करनी है, आपका वॉकिंग गेट, वॉकिंग पैटर्न, इन सब का ध्यान रखेंगे हमारे डॉक्टर्स। तो आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, श्रेयास को कंसल्ट करना है, श्रेयास के डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपनी रिपोर्ट शेयर करनी है, जो भी आपके MRI CT स्कैन जो भी हुआ है उन रिपोर्ट्स को आप प्लीज़ शेयर करिए। एंड अगर आपको ट्रीटमेंट कहीं और से नहीं मिल रहा है, मतलब आप कहीं और से मेडिकेशंस बहुत टाइम से ले रहे हो लेकिन आपको रिकवरी नहीं मिल रही है, तो डू कंसल्ट आवर डॉक्टर्स, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, फेस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आपको नॉर्मल डेज में भी हो रही है, तो आप हमारे डॉक्टर्स से कंसल्ट कर सकते हैं। यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।